गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। सो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ मिंत्रा कुर्ती सेट हॉल। एज यू ऑलरेडी नो कि समर्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट आ चुकी हैं, तो मुझे इस टाइम पे ना कुर्तीज पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो कुर्ती सेट हो, कुर्ती विद जीन्स हो, मतलब डिफरेंट स्टाइल में मुझे कुर्ती पेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी वो ईजी एंड ब्रीजी होती है। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे कुर्ती हॉल्स किए थे, अगर आपने वो चेकआउट नहीं किए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप चेकआउट कर लेना। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट इन द वीडियो। जो पार्सल रिसीव हुआ मैंने ओपन करके देख तो लिया, बट मैंने एक बार भी ट्राई ऑन नहीं किया इनका, तो मैं सोचा कि जब मैं वीडियो शूट करूंगी तो साथ साथ आपको एक ट्राई ऑन पार्ट भी दिखा दूंगी कि वो मेरे पे कैसे लगते हैं। विद द वेरी फर्स्ट आइटम, ये वाला, ये ग्रीनिश कलर में, ऐसा कोई मेरे पास कोई पेयर नहीं था। ये है फ्रॉम दी ब्रांड कालिनी। कालिनी में लाइक बहुत ज़्यादा ही अच्छी कलेक्शन आई हुई है, तो आप एक बार ज़रूर चेक करना, एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, लाइक अंडर 1000 रुपीज़ आपको बहुत अच्छा सेट मिल जाएगा। तो गाइस, मैंने फर्स्ट आइटम पिक किया था ये वाला, जो कि है मेहंदी ग्रीन पर सी ग्रीन कलर का प्रिंट हो रखा है। एंड ये वाला जो स्टाइल है ना, आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ कलर्स में मिल जाएगा। मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी कि और कौन कौन से कलर इसमें अवेलेबल हैं, और मैंने काफ़ी लोगों को ये पेयर करते देखा है, इसका मतलब ये काफ़ी ट्रेंडी पीस है। तो कपड़ा है वो रायन है, जो कि बहुत ईजी ब्रीजी होता है समर्स में कैरी करने के लिए। ट्राउजर इसके सी ग्रीन कलर के हैं, एंड इनमें पॉकेट्स हैं, विच इज ग्रेट। पार्ट लगा दुपट्टा, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। इसका कपड़ा तो मुझे इतना नहीं पता, लाइक मुझे कपड़ों की इतनी डिटेल नॉलेज नहीं है, बट इसका जो दुपट्टा है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। सी, आप इसको कैसे भी कैरी कर सकते हो, आप ऐसे कैरी करो, साइड में कैरी करो, ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगता है। अगर आप कॉलेज एंड ऑफिस गोइंग है तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। सेकेंड पेयर पिक किया है वो है ये वाला फ्रॉम द ब्रांड गुल मोहर करके। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे इस ब्रांड के ए लाइन कुर्ते, अगर आपको पहनने पसंद हो आप चेक कर सकते हो। ये जो नायरा का डबी चला था थोड़े दिन पहले, ट्रेंडिंग आया था, ये उसमें है, कॉटन मटेरियल का कपड़ा। आपको ड्राइंग पार्ट में ज़्यादा समझ आएगा कि कैसी स्टाइल है इसकी। इसका कुछ ऐसे ऑल ओवर प्रिंट सा है, पूरे में प्रिंट है, एंड सेम प्रिंट का इसका प्लाजो है, लाइक सेम प्रिंट का प्लाजो। लुक एट दिस, दिस इज द प्लाजो, वेरी नाइस मटीरियल, एंड इसी कलर का दुपट्टा भी है। लाइक जो ऑल ओवर सूट्स होते हैं ना, ये वो है, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है वेयर करने के लिए। प्लाजो भी इसका अच्छा खासा कंफर्टेबल है। आफ्टर दैट मैंने कुछ पिक किया है रेड कलर में। रेड कलर के मेरे पास स्पेसिफिकली कोई भी कुर्ती नहीं थी, और ये आपको थोड़ी ब्राइट राइट दिख रही है, बट ये मेहरून कलर की कुर्ती है। इससे मैं समझ थोड़ा ये लगा कि इसके नीचे प्लाजो साथ ही आए, ये सूट एंड दुपट्टा ही था, बट कोई बात नहीं, रेड कलर की लेगिंग्स या प्लाजो ईजिली मिल जाता है। सो ये भी अगेन रियॉन मटेरियल में है, और ये है ब्रांड कालिनी ब्रांड से ही है ये वाला, तो इसका प्रिंट कुछ ऐसा लग रहा है, कोई स्मॉल गैदरिंग हो या कोई पूजा हो या कुछ भी हो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं सोचा कि एक ऐसा पेयर भी होना चाहिए सिंपल सा, कि अगर ऐसे कोई ओकेजन हो छोटा सा घर में या हाउस पार्टी वाला हो जिसमें आपको एथनिक पहनने की ज़रूरत हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल सा है, मुझे इसमें स्पेसिफिकली वाली डिटेलिंग काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप इसको पेयर करोगे गोल्डन हैवी ईयरिंग से तो उसके लिए बहुत सही लगेगा ये। और इसका कपड़ा भी रेयन मटेरियल है, ए लाइन कुर्ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, और इसका दुपट्टा भी थोड़ा इसमें प्रिंट हो रखा है, बट ये काफ़ी लाइट वेट है, तो आपको कोई डिफिकल्टी भी नहीं होगी इसको कैरी करने के लिए। और ये मुझे काफ़ी, मतलब ये कैमरे में इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ना, बिल्कुल ब्राइट रेड, पर ये गाइस मेहरून कलर का है, और इसका प्रिंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक मुझे वीडियो में भी ये वाला कुर्ता पहनना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लग रहा है रेड कलर का स्क्रीन पे। मतलब मैं जो आपको जितने भी पेयर दिखा रही हूँ ना, लाइक दो और एक मैंने पहना हुआ है ये वाला, ये मेरे तीनों फेवरेट है, क्योंकि आप इसको लाइक किसी ओकेजन में भी पहन सकते हो, और डेली वेयर में अगर आपको पहनना है तो वैसे भी कैरी कर सकते हो। तो पहले मैं प्लाजो शुरू करती हूँ। जैसे ब्लू कलर का, रॉयल ब्लू कलर का सूट है, बहुत सुंदर रियॉन मटेरियल का है। ये प्लाजो है, इसका प्लाजो पे प्रिंट, वेरी कंफर्टेबल रियॉन मटेरियल है। रियॉन मटेरियल के कपड़े मुझे बहुत सही लगते हैं, क्योंकि वो कर्वी बॉडीज में ना बड़े अच्छे से फिट होके आते हैं। कॉटन थोड़ा सा, कॉटन थोड़ा टाइट सा लगता है बॉडी पे, बट रेयन मटेरियल्स आर वेरी ग्रेट। इसका कुर्ता है जो कि इतना ज़्यादा प्रिटी है, अगर आप चाहो तो इसको ओकेजनली भी पहन सकते हो, एथनिक भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा प्रिटी भी है। इसमें आपको चार ऑप्शंस मिल जाएंगे, रेड, ग्रीन, वॉलेट और नेस ब्लू। रेड मम्मी ने भी परचेज किया है इसमें सेम कलर, और मैंने पिक किया था ब्लू कलर का, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगेन ये ए लाइन कुर्ता है, वेरी नाइस मटीरियल,
इसका ऑल ओवर प्रिंट का प्लाजो जो मैं आपको दिखाया ही, बट इसका दुपट्टा बिल्कुल ही प्लेन है, बट इट्स ओके क्योंकि सूट का लुक बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है। तो आप इस कुर्ते में तो ज़रूर डेफिनेटली कलर चेकआउट करना, बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। एंड इसका ये सिंपल सा दुपट्टा है जो कि आप कैरी करो ना करो बड़ा ऑप्शनल है क्योंकि सूट ही इतना ज़्यादा प्यारा है। आफ्टर दैट दिस पर्पल वाला जो कि मैंने ऑल ओवर द इंटरनेट इतना ज़्यादा देख लिया ना, मतलब हर दूसरे बंदे के पास ये वाला सूट अवेलेबल होगा। अभी कुछ लोग ईद सीरीज भी कर रहे हैं कि ईद आउटफिट आइडिया, सो मैंने उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा पहनते हुए। अच्छा कि मैं ट्राई करती हूँ कि इतना वायरल क्यों हो रहा है, एंड ये वर्थ द हाइप है, वर्थ द हाइप। आजकल पर्पल कलर मेरा न्यू फेवरेट है, वो पर्पल की कोई सी भी शेड आप बोलो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रही है। सो गाइस ये इसका प्लाजो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, बिल्कुल प्लेन पर्पल कलर का है, नॉट कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। बट जो इसका कुर्ता है, सीधा कुर्ता, जिससे मेरा दिल जीत लिया था कि भाई ये सूट तो बहुत ही अच्छा है, अगेन फ्रॉम द ब्रांड कालिनी। एंड आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा कुर्ता है, इसका प्रिंट से लेके इसकी फिटिंग, मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छी आई। गाइस इसकी चुन्नी में छोटे छोटे जैसे डॉट्स से हो रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा, अगर आप सब कैरी करते हो ना ऐसे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ना ये अगर धूप में आप बाहर निकलोगे, अगर आप दिन में बाहर निकलोगे ना नून में, तो ये शाइन करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। मैं शायद उल्टा ले लिया एक सी, ये जो इसमें डिटेलिंग हो रही है दुपट्टे में कितनी ज़्यादा अच्छी है। यानी कलर मुझे लगा मेरे पे काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा था, तो क्या क्योंकि ना मुझे इसका भी पैच वर्क बड़ा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, कमेंट्स करके बताओ कि आपका फेवरेट वाला, आपको कौन सा पीस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। टाइम बाद ये वाला हॉल शूट कर रही हूँ, रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स पे एक्टिव हूँ, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।